तो मैं हूँ अभी जोधपुर में और पीछे बोर्ड लग रहा है, आपको दिखाता हूँ क्या बोर्ड लग रहा है। तो जैसलमेर 274, रामदेव 155, फलौदी 121, गंगानगर 516 और बीकानेर 274। और एक चीज़ और है वो आपको बताता हूँ बैक करके। तो ये है बाप 155 किलोमीटर, तो ये बोर्ड है और जैसलमेर का रास्ता जा रहा है 274 जैसलमेर। चलें जैसलमेर, यहाँ से सीधे बस पकड़ते हैं, ओशिया चलते हैं। ओशिया तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी ओशिया और ये पड़ेगा आपको जोधपुर से 50-60 किलोमीटर जैसलमेर वाले रास्ते पे। और यहाँ पे है बहुत शानदार मंदिर, तो आपको दिखाता हूँ। 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य मंदिर हैं बहुत सारा, एक बड़ा मंदिर है ये विष्णु मंदिर है, आपको दिखाता हूँ। यह है ओशिया प्राचीन मंदिर समूह, 8वीं से 12वीं शताब्दी निर्मित। और ओशिया में 20 शैव वैष्णव जैन मंदिर हैं, 7 देव कुलिकाएँ विद्वान हैं। तो आप देख सकते हो ये बहुत प्राचीन मंदिर हैं, आपको दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ। तो ये प्राचीन मंदिर है आप देख सकते हो, और ये कहाँ से बगी बगी आ रही है वो देखिए। तो ये प्राचीन विष्णु मंदिर है आप देख सकते हो, अभी इसका ताला लगा हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है। एक आगे भी है, 8वीं-9वीं शताब्दी के मंदिर है ये, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आप देख सकते हो। ये है नहीं शानदार, बहुत शानदार, ऊपर चलते हैं देखते हैं। सड़क के किनारे ये मंदिर मिल जाएंगे आपको देखने को, और मेन मंदिर वहाँ पे है। तो ये आप देख सकते हो जैसलमेर वाला जोधपुर वाला मार्ग है ओशिया, यहाँ से पड़ेगा। चलते हैं पहले जूस पीते हैं, गला सूख रहा है, तो उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे, बहुत शानदार मंदिर है। चलते हैं आगे। तो सामने है मंदिर ऊपर। मंदिर का रास्ता इधर से, सची माता मंदिर। तो ये वापस आने का, और इधर से रास्ता बता रहे हैं, इधर से रास्ता, ये रास्ता है ओशिया माता जी का। तो बहुत शानदार मंदिर है, दिल खुश हो गया देख के। भैया सही कह रहे थे, आप जाओ उधर बहुत शांति मिलेगी। जूते उधर उधर हैं किधर, जूते ऊपर। चेकिंग हो रही है, क्या मूर्तिकारी है ये, 8वीं-9वीं शताब्दी की चित्रकारी है, आप देख सकते हो ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये शायद बड़ा अवतार की लग रही है मेरे को, विष्णु भगवान की मूर्ति। भगवान विष्णु जी की मूर्ति। और अभी हम आ गए टॉप पे, अरे वाह क्या बात है, उधर भी दो मंदिर बन रहे हैं, बहुत शानदार शानदार।
नहीं, ये नौ मंदिर हैं, नौ देवियों के। तो आपको तो आईफोन रखना चाहिए, वन प्लस है वो भी। अच्छा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो ये रहे, तो तीन पीछे रहे, तीन पीछे होंगे ना, क्लियर है। तो ये सचिया माता का मंदिर ओशिया में जोधपुर। तो ये है शीतला माता जी का मंदिर मकराना। मैं भोलेनाथ जी का मंदिर और शीतला माता जी का मंदिर। अब नीचे चलते हैं। तो ये देख सकते हो आप, सभी देवी देवताओं के चित्रण यहाँ पे 8वीं 9वीं शताब्दी के पाए जाएंगे आपके। ये देखिए, अब नीचे चलते हैं। वो मंदिर बहुत शानदार है, सुपर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, बहुत प्राचीन, और ये जोधपुर का सबसे बड़ा मंदिर है। और उसमें नौ देवियों के मंदिर हैं, ऊपर से आपको दिखाए थे नौ देवियों के मंदिर थे। और बहुत, और चलते हैं भीतर, बहुत बड़ा मंदिर है। चलो चलते हैं, देखते हैं। श्री भैरव जी का मंदिर यहाँ पे, और आप देख सकते हो बहुत शानदार गीत गा रहे हैं नीचे। और वो हनुमान जी का, गणेश जी का सामने रेल का पहाड़ दिख रहा है बहुत तगड़ा। और एक ही मंदिर ये भी है, तो आप देख सकते हो ये है शैलपुत्री माता जी का मंदिर। तो यहाँ पे नौ देवियों के मंदिर हैं। प्रथम दुर्गा शैलपुत्री है, श्री अंबिकाए, श्री महाकाले, योगी नी द्राय, त्रिपुर सुंदरी, श्री महामाए। तो ये है श्री शैलपुत्री अम्बा जी का मंदिर। जय है अम्बे माता जी। आज अष्टमी है और मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैं अष्टमी के दिन ओशिया मंदिर आया। जय ओ देवी। तो ये है द्वितीय नव दुर्गा द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी सरस्वती माता जी का। जय ओ सरस्वती माता जी। आज सब देवियों के दर्शन हो जाएंगे, नौ देवियों। अभी हम जा रहे हैं तीसरे मंदिर। यहाँ पे नौ देवियों के नौ अलग अलग मंदिर हैं। तीसरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको। तृतीय देवी चंद घटा गौरी उमा मंदिर। तो जय हो गौरी माता उमा। ये देखिए पीछे लोकेशन एक नंबर, बहुत शानदार सुपर। उधर से आए थे हम जोधपुर वाले मार्ग से। और ये देखिए है नहीं अच्छी जगह लोकेशन, बहुत शानदार मंदिर है। और ये शायद जोधपुर का सबसे बड़ा मंदिर है, आप देख सकते हो ओशिया में। हम ऊपर से आए, अब ये एक और मंदिर, नंगे पैर चल रहे हैं अभी, तो गर्मी बहुत है। तो एक और मंदिर देवी माता का। तो ये है माता श्री कुष्मांडा कामेच्छे देवी का मंदिर। जय वो देवी माता से। तो ये है वेद श्री स्कंद माता जी मंदिर का, स्कंद माता जी मंदिर। तो अभी हमें ओशिया मंदिर में, ओशिया देवी माता मंदिर। और यहाँ पे अंदर अंदर बहुत सारे गेट लगा रखे हैं, अब पता नहीं गेट का रास्ता किधर से, चलते हैं देखते हैं। ये भक्तों की भीड़ होती है ना जब नौ देवी में, उनके लिए हैं नौ देवियों में नौ मंदिर हैं यहाँ पे। अभी हम एक एक मंदिर को दर्शन करके चलते जा रहे हैं। तो ये है त्या यानी माता मंदिर छठगाए। अब तो इनका बंद कर, दर्शन दे होंगे कात्यायनी माता जी। तो एक ये मंदिर है सप्तम दुर्ग कालरात्रि माता जी का। जय हो भोलेनाथ हर हर महादेव। अहो भाग्य हमारे दर्शन हुए तुम्हारे। जय हो भोलेनाथ। तो यह है कात्यायनी माता जी का मंदिर। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपे संस्था, नमस्तस्य 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 नमो नमः। यह है कालरात्रि माता जी का मंदिर सप्तम, वो था कात्यायनी माता जी का मंदिर। आगे है अष्टम दुर्ग महागौरी श्री चंडिका जी का मंदिर। तो ये आठवां अष्टम गौरी तीरक्त छय चंडिकाए नम श्री जय पर। ये है
सिद्धरात्रा का मंदिर, नवमी तो नवमी दुर्गा से मासी दुर्गाय नमः, लक्ष्मी नमः, तारा देव नमः, शुभ देवाय नमः, लजेवाय नमः, छो हर माता परमेश्वर। तो यहाँ बनाया श्री राधा कृष्ण का मंदिर, आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं राधा कृष्ण जी के। जय हो भक्ति वाले सन हुए तो ये क्या है। राधे राधे, कम्मा लगा लेते हैं। यही बताऊं तो मेरा आना सफल हो गया, आज अष्टमी थी, नौ देवियों के दर्शन किए और बहुत शांति मिली यहाँ के। बहुत बड़ा मंदिर है और सचिया माता का बहुत विशाल मंदिर है और जोधपुर का नंबर वन मंदिर है। तो आपको मंदिर कैसा लगा, आपने दर्शन किए और दर्शन करिए नहीं करिए तो। और ये पड़ेगा आपको जोधपुर और जैसलमेर वाले रास्ते पे 60 किलोमीटर दूर, जो 50-60 किलोमीटर दूर है ओशिया, ओशिया में बहुत बड़ा मंदिर है सचिया माता का मंदिर। चलते हैं हम नीचे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। यहाँ चप्पल जूते हमारे ऊपर से नीचे आ गए होंगे, तो यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था ये है कि ऊपर जूते उतारते हैं और नीचे फेंक देते हैं, तो वहाँ पोर्टियों में से यहाँ पे आ जाते हैं और टोकन देके आप नीचे जूते ले सकते हो। अब चलते हैं वापस नीचे।